नमस्कार, बीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार के जरिए बनाई गई अवैध सड़क को किया ध्वस्त। गाजीपुर में योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा बनाई गई अवैध सड़क को ध्वस्त किया है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए मुख्तार के गोदाम पर जाने वाली अवैध सड़क को तोड़ा है। मुख्तार अंसारी ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर गांव में मुख्तार अंसारी का गोदाम है, जहां मुख्तार अंसारी ने तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी। ओजस्वी चावला सीओ सिटी गाजीपुर ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी द्वारा बनवाई गई अवैध सड़क निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी का गोदाम विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिल्कियत है। ये कंपनी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और मुख्तार के सालों अनवर शहजाद और सरजील रजा की है। मुख्तार अंसारी ने अपने निजी फायदे के लिए गोदाम पर जाने के लिए तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया। गाजीपुर में पुलिस और प्रशासन मुख्तार गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा है कि मामले के अन्य पहलुओं को भी जांचा जा रहा है, यदि कोई और भी दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस मुख्तार गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है।